भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां ऊस थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक अदद तमंचा, 12 बोर, एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल व दो जिंदा कारतूस, 12 बोर के साथ दो लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक भदोही रामबदन सिंह के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 24 अक्टूबर 2020 को थाना ऊंच अंतर्गत दिनांक 29 सितंबर 2020 की शाम को भीटी बॉर्डर और हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज के पिलर नंबर 37 के पास से तीन अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा ब्रजेंद्र भूषण पुत्र फूलचंद निवासी ग्राम अमिलहरा थाना सूर्यामा से एक मोबाइल फोन व 2000 रुपये की लूट को अंजाम दिया था। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 118/20 धारा 392 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण व बरामदगी के संबंध में थाना ऊंच पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त विकास कुमार यादव पुत्र मंगरू राम यादव निवासी ग्राम बिठौली थाना हड़िया जनपद प्रयागराज और सोनू जायसवाल पुत्र विनोद जायसवाल उर्फ रावण निवासी इमामगंज थाना हड़िया जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर नवधन पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट के 1000 रुपये नकद व एक अदद मोबाइल तथा लूट में अभियुक्तों द्वारा उपयोग की गई मोटरसाइकिल TVS नंबर UP66V6294 बरामद की गई। अभियुक्त विकास कुमार यादव के कब्जे से एक तमंचा, 12 बोर व दो जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद किया गया, जिसके संबंध में मुकदमा संख्या 119/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी, उप निरीक्षक श्याम बिहारी यादव, कुर्बान अली, रंजीत सिंह, खुशबू यादव आदि शामिल रहे। CO ज्ञानपुर भूषण वर्मा के सफल नेतृत्व में ऊंच पुलिस ने उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र ऊंच के अंतर्गत अब से 25 दिन पहले एक जो हम लोगों का भीटी बॉर्डर पड़ता थाना क्षेत्र हंडिया और थाना क्षेत्र ऊंच के भीटी बॉर्डर से एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो प्रयागराज निवासी है उसके पास से, एक व्यक्ति के पास से उसका मोबाइल फ़ोन और उसके 2000 रुपये लूटे गए थे। उनके संबंध में आज दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है और उनके पास से 1000 रुपया नकदी और वही मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने छीना था उससे वो बरामद हुआ। इसके साथ साथ जिस मोटरसाइकिल का इन्होंने लूट के अंजाम को वारदात देने के लिए यूज़ किया गया था वो भी बरामद हो गई है और इसके अतिरिक्त इनके पास से एक तमंचा और दो कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। वैसे सर, अभी जो झगड़ा चल रहे हैं आपके, ये अभी कितने दिन चलाए जाएंगे? ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें जैसे ऊपर से दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, संबंधित सघन चेकिंग, बॉर्डर चेकिंग और संदिग्ध, चूँकि पर्व का टाइम भी चल रहा है, इसके संबंध में जो संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु, वाहन, इनकी चेकिंग चल रही है, जिसके क्रम में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके। अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये है कि ये जो घटना में इन्होंने जो प्रयोग किया गया था मोबाइल फ़ोन जो गया था वो उसके बरामद हो गया और 1000 रुपया नकद और मोटरसाइकिल जिससे इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था वो इनके पास से मिली है और इसके अतिरिक्त एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।